तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार दौरा है आज। हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की बाईपास का भी करेंगे निरीक्षण। कुंभ मेला क्षेत्र में हो रहे निर्माण का लेंगे जायजा। मेला नियंत्रण भवन में करेंगे समीक्षा बैठक। तो वहीं बैरागी कैंप में निर्माणाधीन चार सेतु का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो हरिद्वार दौरा काफी महत्वपूर्ण, ये दौरा जगजीतपुर में 33 केवी के बिजली घर का करेंगे लोकार्पण। ये बड़ी जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में हो रहे निर्माण का जायजा भी लेंगे। मेला नियंत्रण भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज हरिद्वार दौरा। तमाम जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। धर्मेंद्र, आज हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास और प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं? देखिए निकिता, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं कि पूरे जनपद का आज जितने भी कार्य यहां पर चल रहे हैं निर्माण के, उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। और पहले नारसन से उन्होंने निरीक्षण की शुरुआत की है। फिलहाल नारसन और रुड़की बाईपास और कौर का निरीक्षण करते हुए वो हरिद्वार पहुंच गए हैं। और हरिद्वार में भी उनके जो कुंभ कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, कई निर्माण सेतु के कराए जा रहे हैं, गंगा घाटों के निर्माण हुए हैं, आस्था पुल, यहाँ पर एक आस्था पथ बनाया गया है, कुंभ में जो आकर्षण का केंद्र रहेगा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उसका भी आज वो निरीक्षण यहाँ पर करेंगे। और हर की पौड़ी पर भी सौंदर्यीकरण कुंभ के द्वारा, मेले के द्वारा कराया जा रहा है, तो उसका भी यहाँ पर वो सौंदर्यीकरण करने पहुंचेंगे। फिलहाल करीब 1.5 घंटे पहले वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कई स्थानों का उन्होंने निरीक्षण कर लिया है। कुछ देर में यहाँ पर हरिद्वार सिटी में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर 33 केवी एक जो विद्युत घर बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद आस्था पुल पे जाएंगे। कई कार्यक्रम है लगातार, सभी जो बड़े बड़े कार्य कुंभ को लेकर यहाँ पर किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। बाद में 12:30 बजे का समय रखा गया, तब वो समीक्षा बैठक बनाए रखिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर हरिद्वार से है जहां पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे मौन साधना। किसान पर 1 घंटे करेंगे मौन साधना। मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए साधना करेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले को बजट दिए जाने को मांग की गई है। तो वहीं प्रयागराज उज्जैन कुंभ के बराबर बजट दिए जाने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी देखिए, प्रयागराज उज्जैन में जो कुंभ मेला लगाया जाता है उसी के तर्ज पर अब ये मांग की गई है कि जो अब मेला लगने जा रहा है हरिद्वार में, जो कुंभ मेला लगने जा रहा है उसी के तर्ज पर बजट देने की मांग की गई है। तमाम जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख मैं करूंगी। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी? प्रयागराज उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है उसके तर्ज पर और उसी के बराबर अब हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा है बजट की मांग की गई है, और दूसरा आज मौन साधना करेंगे हरीश रावत, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज 1 घंटे की अपनी मौन साधना यहाँ पर रखी है और हरिद्वार के किसान घाट पर वो मौन साधना करेंगे। जो समय रखा गया है वो 2 बजे से 3 बजे तक का समय यहाँ पर रखा गया है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर जो कुंभ के कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कुंभ मेले को लेकर कांग्रेस राजनीति भी करनी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और यही वजह है कि जो उज्जैन प्रयागराज में अभी कुंभ हुआ है तो वहां पर भारी भरकम बजट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों ने बहुत वहां पर खुल के बजट का खर्च किया है, तो उतना ही बजट यहां पर दिए जाने की मांग केंद्र सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर और केंद्र सरकार राज्य सरकार की सद्बुद्धि को लेकर आज यहाँ पर 1 घंटे का उन्होंने मौन उपवास यहाँ पर वो रखेंगे, मौन साधना करेंगे। पूरा कार्यक्रम है, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो भी इस बार में बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचेंगे। 2 से 3 बजे कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, मौन साधना का कार्यक्रम रखा गया है। धर्मेंद्र, कौन कौन से बड़े कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, कुछ अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है या जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं वो क्या कुछ कहती हैं? तैयारियां तो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो स्थानीय कांग्रेस के यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कल मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पे इस बात की जानकारी दी थी और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस बात का आग्रह भी किया था कि वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। तो हालांकि उत्साह हरिद्वार के कांग्रेस से भी बात करी जाए तो इनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और
किसान घाट पर 2 से 3 बजे कार्यक्रम रखा गया है और बड़ी संख्या में कांग्रेस यहाँ पर पहुंचे। शुक्रिया तमाम जानकारी।